यहाँ आपको ये नावें दिख रही हैं, वहाँ पर लोग चलते फिरते थे, वहाँ पर गंगा आरती होता था। दरअसल कितना हाई एरिया पे, कितना हाई पे हो चुका है। इधर देखिए सामने ट्रेन जा रही है, उसकी ऊंचाइयाँ देखिए। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट सूरज ब्लॉग, एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे पीछे देख रहे हैं ये सुंदर सा नज़ारा। मैं इस समय राजघाट पर मौजूद हूँ, जो रास्ता जाता है नमो घाट की तरफ। वैसे आप लोग सोचे होंगे दोबारा मैं नमो घाट आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मौसम देख के आप सभी लोग को ये लगा होगा कि ये लग रहा है कि काफ़ी धूप है, काफ़ी अच्छा मौसम है, ये रियल बात है। लेकिन एक इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है आज के इस वीडियो में। ये नज़ारा देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये नज़ारा, लाल खां बादशाह का मकबरा, और ये बहुत पुराना अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया राजघाट का ब्रिज। आप लोगों ने देखा धूप तो वाकई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन लास्ट नाइट इस समय बनारस में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और आज के डेट में मतलब आज है 18 सितंबर, मैं ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, और रात की बारिश कुछ ऐसे हुई थी कि बनारस में जो टूरिस्ट प्लेस आप जानते हैं कि जो घाट है वही सबसे ज़्यादा इस बनारस की जान है, जहाँ पर हज़ारों सैकड़ों टूरिस्ट पर डे पर घंटे यहाँ पर पहुँचते हैं। तो बनारस का ये नज़ारा साल में कुछ ही समय ऐसा दिखता है जब घाट पूरी तरीके से पानी से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे बगल पड़ोसी जो ज़िला है मिर्ज़ापुर, वो पहाड़ी क्षेत्र है, और वहाँ के पूरे पानी वगैरह वो सब उतर के बांध का पानी यहाँ पर गंगा में समा जाता है, जिसकी वजह से पूरे घाट डूब जाते हैं करीब करीब। तो कैसा लगता है, क्या सिचुएशन रहता है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे आज के ब्लॉग में। नहीं तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बना चुके हैं इसके ऊपर यूट्यूब पे, तो इसका कोई ज़रूरत था नहीं, लेकिन कुछ ऐसा अभी आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग। चमकीली धूप और ये खूबसूरत सा रास्ता, और जैसा कि हमेशा हज़ारों की भीड़ रहती है आती है, इतना धूप हो रहा है इस समय, दो ढाई हो रहे हैं इस समय, लेकिन सैलानियों में कोई कमी है नहीं आने जाने के लिए। यह है एंट्रेंस गेट, और राइट साइड में सीएनजी स्टेशन जो नीचे साइड में ही है। सब रेस्टोरेंट कैफे एरिया है, यहाँ तक तो अभी पानी नहीं आया है, लेकिन पूरे रेड अलर्ट पे थोड़ा सा ही बस कुछ ही फीट की जो ऊंचाई है उसको छूना बाकी है पानी से। तो खैर पहुँच के दिखाता हूँ, सामने देखिए पानी भरा हुआ है पूरा। तो ये रहा नमो घाट। तो व्लॉग में क्या अलग है अन्य जो मैंने इस पर नमो घाट पर वीडियो बनाया है, आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोज़ देखिएगा, फिर देखिएगा कि डूबे हुआ जीव नमो घाटे कैसा दिखता है, और साल में कुछ ही समय ऐसा होता है। तो देखिए क्या हाल है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं इस समय कि क्या हाल है, वो जो नमो घाट आप देख रहे हैं नमस्ते स्कल्पचर, वो बड़ा वाला, यहाँ तक इसके नीचे तक लोग पर डे घूमते रहते हैं, लेकिन आज का ये जो बारिश तो वजह से हुआ, इतनी चमचमाती धूप में भी हाल यह है कि पूरा डूब गया है ये नमो घाट। ये सीन कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइव यहाँ पर। इस रस्सी को लगा दिया गया है सेफ्टी को देखते हुए, लोग इसको क्रॉस न करें, क्योंकि काफ़ी ये सीढ़ी वाला एरिया है, तो बहुत फिसलन, हम लोग आते जाते तो हम लोग जानते हैं काफ़ी दुर्घटना हो सकती है इस समय। तो जितने भी सैलानी आ रहे हैं सबको इस रस्सी के इस साइड ही रहने का परमिशन है, आगे नहीं जा सकते हैं। तो दिखा रहा हूँ यहाँ तक, देखिए ये सब पानी। आप जब तक कंपेयर नहीं करोगे पिछले सब वीडियोस से, चाहे किसी के भी ब्लॉग में आप देख सकते हो नमो घाट, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि ये पानी दरअसल कितना हाई एरिया पे, कितना हाई पे हो चुका है। इधर देखिए सामने ट्रेन जा रही है, उसकी ऊँचाइयाँ देखिए आप। अगर उस ब्रिज को आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर जो पिलर वगैरह हैं उससे कुछ ही फीट बस रह गया है पानी, तो एकदम समझ लीजिए रेड अलर्ट पे है ये जगह। हम सैलानी भी पहुँच रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे होंगे, जिनको जानकारी नहीं रहा होगा, तो उनके लिए तो खैर थोड़ा सा डिप्रेस। Okay.
It's all about finding the right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb from the thirst. का तो हो गया, अब चलते हैं कुछ अगल बगल के घाटों पे, देखते हैं वहाँ क्या सीन रहता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं राजघाट, थोड़ा सा पास में आ गए, वहाँ से काफी दूर था। तो अन्य ये घाट है, घाट के किनारे से सभी अन्य घाटे भी शुरू हो जाते हैं। उधर तो आदि केशव और नमो घाट, अभी हम लोग इधर आ गए हैं। भैंसासुर घाट है और रविदास घाट है, तो इस साइड है। तो यहाँ देखिए कैसा है ये नज़ारा है, यहाँ पानी की वजह से लहरों को थोड़ा सा चेक करिएगा। ऐसे आने वाले जो सैलानी, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि समय क्या हाल है यहाँ के, जो घाट का ये जो नज़ारा रहता है, तो उनको काफ़ी डिसपॉइंट होंगे, बहुत निराशा होंगे आके, क्योंकि उनको ऊपरी ऊपर घूमने को मिलेगा और जो मेन जगह रहता है वो तो नीचे वॉक करके वहाँ सेल्फी फोटो या यादगार अपना मोमेंट कैप्चर करते हैं, लेकिन इस समय उन लोगों को कहीं मिलेगा है नहीं, तो बहुत ज़्यादा निराशा होगी। तो ये है कि बस जहाँ जगह मिल रहा है सीढ़ियों पर बैठ कर ही लोग नहा ले रहे हैं, जहाँ जहाँ जगह छूटा हुआ है। तो अभी आप ये जो सीन देख रहे हैं, ये जस्ट घाट के ऊपर का ये जो जगह है, ये संत रविदास टेम्पल है जो घाट के किनारे, इसलिए इस घाट का नाम रविदास घाट है। तो घाट के जस्ट किनारे का ये जगह है जहाँ पर इतना भीड़ लगा हुआ है, और इधर गंगा नदी घाट टेम्पल, और यहाँ तक देखिए पानी है। तो थोड़ा सा ये जगह बचा है, अगर और बारिश हुआ तो ये भी जगह डूब जाएगा, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ भी आना मुश्किल ही है। तो मैं अभी थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा पैर अपने डाल दिया पानी में, तो सीढ़ी ही सीढ़ी है, इसके नीचे भी सीढ़ी है। तो ये है रविदास घाट टेम्पल। तो हम व्लॉग एंड करने के लिए मैं आ गया हूँ दशाश्वमेध घाट पे, और दशाश्वमेध घाट पे देखेंगे क्या सीन रहता है, क्योंकि ये घाट सबसे मेन घाटों में से बनारस के है, जहाँ पर गंगा आरती का आयोजन पर डे होता है 6:30-7 के बीच, और हजारों लाखों लोग यहाँ भीड़ लगाते हैं। तो कुछ काम मेरा भी था, इसलिए मैं यहाँ पर भी आया हूँ, और यहीं पर हम लोग अपना ये ब्लॉग आज का एंड भी करेंगे। तो पूरी तरीके से भरा ये हमेशा की तरह, चाहे कोई सा भी मौसम हो, बरसात, ठंडी, गर्मी, लेकिन ये जगह आपको ऐसे ही दिखाई देगी। कुछ ये सीन है गंगा घाट का, दशाश्वमेध पूरी तरीके से भरा हुआ। जहाँ जहाँ आपको ये नावें दिख रही हैं, वहाँ पर लोग चलते फिरते थे, वहाँ पर गंगा आरती होता था, और आज ये हाल है। तो गंगा घाट पे कुछ डूबे हुए घाटों पर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग यहाँ पर इस तरह था, मेरे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।